अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वरि वेलकम टू माय किचन मैं हूं शेफ और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस से चिकन के समोसे की रेसिपी लेके आई हूं ये समोसा हम एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ बनाएंगे जिसकी वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी होगा एकदम खस्ता और इसकी चिकन भी बहुत ही मजेदार होगी तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक बोल में ऐड टू फिफ्टी ग्राम मैदा साथ ही इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक और वन फोर्टी स्पून अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स लेकिन अजवाइन को हम हाथों में इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके इसमें ऐड करेंगे जिससे इसके सीड्स दो तो टुकड़ों में टूट जाए इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे फोर्टी फाइव ग्राम्स मेल्टेड घी जो मेजरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल यही फॉलो कीजिएगा ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है और कप्स में इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी वहां से आप चेकआउट कर लिएगा घी ऐड करके हमें इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है इतना मिक्स करना है कि जब हम मैदे को हाथ में ले तो ये इस तरह से सा होना चाहिए एकदम ना वेलविटी सा टेक्सचर हो जाएगा इसका एकदम सॉफ्ट और यहाँ पे मेरे पास 90 ग्राम्स पानी है इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और एक डो बना के तैयार कर लेंगे इसमें हमें बिल्कुल मेजरमेंट से पानी डालना है ताकि डो जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी बने तो जी यहाँ पे डो जो है वो इस तरह से तैयार है डो को हमें अच्छे से मुक्की लगानी है इस तरह से और अब हम डो को कवर करके रेस्ट देंगे यहाँ पे हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और तब तक हम तैयार कर लेंगे चिकन फिलिंग तो ये बिल्कुल यूनिक सी चिकन फिलिंग है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है तो उसके लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल साथ ही हम यहाँ पे थ्री हंड्रेड चिकन का कीमा ऐड कर लेंगे इसको थोड़ा मिक्स करेंगे फिर हम इसमें ऐड करेंगे वन टेबल जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही वन टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट चिकन को हम हरी मिर्चों और अदरक लहसुन में अच्छे से भून लेंगे हमें यहाँ इसको अच्छे से भूनते हुए पकाना है इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है चाहे तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं अब मसाला बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही डिलिशियस लगता है यहाँ पे हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर वन फोर टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और यहाँ पे हम हसबाई का नमक ऐड कर लेंगे मैं यहाँ पे वन टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ इसको अच्छे से भूनते हुए पकाएंगे और हमें ना इसका तमाम जो पानी है वो एकदम ड्राई कर लेना है तो चिकन फिलिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और जब चिकन फिलिंग ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हम यहाँ पे तकरीबन तक हाफ कप ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे आप चाहे तो पूरा वन कप भी ऐड कर सकते हैं और ब्रेड क्रम्स ऐड करके हम चिकन को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ब्रेड क्रम्स ऐड करने से दो चीज़ें होंगी एक तो चिकन जो है वो उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा यानी चिकन ज़्यादा लगेगी और जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो ब्रेड क्रम्स सोक कर लेगा अच्छी सी तरह से मिक्स करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही डिलिशियस ही चिकन फिलिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है तो जी मैंने समोसे की डोको यहाँ पे रेस्ट दिया था ये अच्छे से एकदम सेट हो गई है अब हम इसको निकाल लेंगे काउंटर पे डस्ट करेंगे हम थोड़ा सा मैदा और डोको हम अच्छे से बेल लेंगे तो जी डोको यहाँ पे मैंने अच्छे से बेल लिया है अब हम डोको सिंपल गोल इस तरह से कट कर लेंगे डोको बेल लेने के बाद हम इसको कट कर लेंगे सिंपल राउंड राउंड इतना बड़ा होना चाहिए ना कि समोसा जो है वो हमारा आराम से बन जाए अब बाकी के एक्स्ट्रा डोको वापस से जमा करेंगे बेलेंगे और इस तरह से समोसे के गोल जो है शेट्स हमारे पास आती जाएंगी अब जो सिंगल सिंगल दो शीट है ना इसको भी हमें हल्का सा लंबा कर लेना है थोड़ा सा बेल के हल्का सा ये देखें जस्ट इस तरह से हर शीट को हम इस तरह थोड़ा और बेल लेंगे अब समोसा बनाने के लिए हमारे पास इस तरह से समोसा बनाने के लिए एक जो टूल होता है वो होना चाहिए इसके ऊपर हम दो शीट रखेंगे और दो शीट जो है वो इस तरह हल्की सी बाहर होनी चाहिए इसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगाएंगे इस तरह से दोनों तरफ पानी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना ही चिपकेगा नहीं और फिर हम इसके में ऐड करेंगे चिकन की फेलिंग ये समोसा बहुत ही अच्छा बनता है और फिर जो ये एक्स्ट्रा डोगी ना इसको हम कट कर लेंगे ये समोसा बनाने का टूल आपको बहुत ही आसानी से किसी भी क्रॉकरी शॉप से मिल जाएगा और ये देखिए इस तरह से हमारा चिकन का समोसा बनके रेडी हो जाएगा इसी तरीके से ना हम तमाम बना लेंगे तो तमाम चिकन के समोसे मैंने बना लिए हैं अब हम इसको फ्राई करेंगे तो समोसे को फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए इस तरह से हल्का गर्म ऑयल होना चाहिए और इसमें हम समोसा ऐड करेंगे और हम इसको हल्का हल्का सा मिक्स करते हुए दस से बारह मिनट के लिए पकाएंगे ताकि समोसा जो है वो प्रॉपर क्रिस्पी बन के रेडी हो अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहें तो फ्राई किए बगैर आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में ऐड करें और इसको सिंपल फ्रीज कर लें एक महीने के लिए हम इसको फ्रीज कर सकते हैं जैसे ही इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो आ जाएगा तो समोसा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है हम इसको निकाल लेंगे ये देखिए माशाल्लाह से कितने परफेक्ट समोसे बनके रेडी हुए हैं और इसी तरीके से ना बाकी के चिकन के समोसे भी फ्राई कर लेंगे तो जी तैयार है बहुत ही डिलिशियस और मज़ेदार से चिकन के समोसे अलहमदिल्ला बहुत ही बेहतरीन बन के रेडी हुए हैं एकदम परफेक्ट क्रिस्पी और फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग है तो अगर आपको इस बहुत ही डिलीशियस से चिकन के समोसे की रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इनशाला हाफिज़